कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच चैलेंज होता है। आज अहमदाबाद में होने वाले पाक भारत मैच में टॉस का बहुत अहम किरदार होगा और रात में ओस पड़ने की वजह से फ्लड लाइट्स में बैटिंग आसान हो जाती है। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि हम पर अहमदाबाद के क्राउड के सामने खेलने का कोई दबाव नहीं है क्योंकि हम पहले भी कई बार तमाशाइयों की बड़ी तादाद के सामने खेल चुके हैं। सदर नून लीग शबाज शरीफ का कहना है कि हमने रियासत बचाने की खातिर सियासत को दबाव पर लगा दिया। सदर नून लीग शबाज शरीफ ने जलसे से खिताब में कहा कि रियासत है तो सियासत है, रियासत बचाने की खातिर जान भी देनी पड़ती तो वो भी परवाह नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन ने APML को इंतहाबी निशान ना अलॉट करने का फैसला किया है। APML को इंतहाबी निशान ईगल अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और योम यकजहती फलस्तीन के मौके पर मुल्क भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। पाकिस्तानी कौम में 13 अक्टूबर का दिन योम यकजहती फलस्तीन के तौर पर मनाया गया। फलस्तीनी मुसलमानों पर जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया।